हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूँ। हम लोग आज क्लास 10 से ज्योग्राफी के चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में, आज की क्लास में हम लोग IUCN के द्वारा स्पीसीज और एनिमल्स के जो स्पीसीज है उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है हम लोग वो सीखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग IUCN जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। IUCN ने फ्लोरा और फौना के जो स्पीसीज है, प्लांट्स और एनिमल्स के जो अलग अलग स्पीसीज है उनके एग्जिस्टेंस के हिसाब से, उनके कंडीशंस के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। ओके, तो हम लोग ना आज की वीडियो में ये जो डिफरेंट कैटेगरीज क्लासिफाइड बाय IUCN वो देखने वाले हैं। देखिए IUCN ने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है प्लांट्स और एनिमल के स्पीसीज को। ओके, ये 5ों कैटेगरी हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो हम लोग ना इस ऑर्डर पे देखेंगे कि वो रिड्यूस किस तरह से हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल स्पीसीज। ओके, नॉर्मल स्पीसीज के बाद आता है रेयर स्पीसीज, रेयर के बाद वल्नरेबल स्पीसीज, आफ्टर वल्नरेबल स्पीसीज वी सी इंडेंजर्ड स्पीसीज, एंड आफ्टर इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ओके, सो वी आर हैविंग 5 काइंड्स ऑफ स्पीसीज क्लासिफाइड बाई IUCN, और हम लोग ना सभी टाइप को एक एक करके समझेंगे, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज क्या होते हैं? जब देखिए, जब किसी स्पीसीज का पॉपुलेशन नॉर्मल है, यानी वो नियर फ्यूचर में वो ख़त्म नहीं होने वाला, उसके सिचुएशन को हम लोग नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। सो व्हेन पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज इज नॉर्मल, IUCN कैटेगराइज इट एज अ नॉर्मल स्पीसीज। ओके, जब भी किसी भी प्लांट्स या एनिमल का जो पॉपुलेशन है, जो नंबर है, वो नॉर्मल माना जाए, नॉर्मल होता है, तो उसको नॉर्मल स्पीसीज में डालते हैं। फॉर एग्जांपल कैटल, पाइन, साल, रोडेंट्स, ये सब हम लोग लेते हैं नॉर्मल स्पीसीज में। ओके, नॉर्मल स्पीसीज के बाद हम लोग देखते हैं रेयर स्पीसीज। मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग ना घटते हुए उसमें लेंगे, ठीक है ना। जैसे नॉर्मल है तो अच्छा प्रेजेंस है, नॉर्मल में अगर कमी आ रही है, पॉपुलेशन गिरता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो रेयर, रेयर से भी ज़्यादा अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो वल्नरेबल सिचुएशन होगा, वल्नरेबल से भी ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, यानी अब बिल्कुल थ्रेट है कि वो ख़त्म हो सकता है, तो वो जो पॉइंट होगा वो एंडेंजर्ड होगा। और उसके बाद एक्सटिंक्ट आता है, यानी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब वो स्पीसीज अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे देखते हुए चलें, सबसे पहले हम लोगों ने देखा है नॉर्मल स्पीसीज, यानी जिसका पॉपुलेशन नॉर्मल है, जिसका पॉपुलेशन सेटिस्फैक्ट्री है। अभी रेयर स्पीसीज की बात करते हैं हम लोग। ओके, रेयर स्पीसीज में हम लोग वैसे स्पीसीज को लेते हैं जो जिसका पॉपुलेशन अभी जैसा है, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, लेकिन चांसेज है कि वो नॉर्मल से एंडेंजर्ड और वल्नरेबल के सिचुएशन में स्लिप कर सकते हैं। अगर वो गिरते जाएंगे, अगर उनका पॉपुलेशन डिक्रीज होता गया, तो वो नॉर्मल से वल्नरेबल या एंडेंजर्ड में आ जाएंगे। ओके, सो रेयर स्पीसीज इंक्लूड्स दोज स्पीसीज वोज पॉपुलेशन में स्लिप फ्रॉम नॉर्मल टू एंडेंजर्ड और वल्नरेबल ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल वी कैन सी हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। ओके, दे आर रेयर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। ओके, इफ वी कैन नॉट प्रोटेक्ट देम देयर पॉपुलेशन, देन दे मे बी स्लिप फ्रॉम नॉर्मल टू एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। ओके, सो नॉर्मल स्लिप और नॉर्मल स्पीसीज और रेयर स्पीसीज के बाद हम लोग देखेंगे वल्नरेबल स्पीसीज। ओके, वल्नरेबल स्पीसीज की बात करते हैं, तो वल्नरेबल स्पीसीज में क्या होगा कि जो रेयर स्पीसीज है उनकी कंडीशन डिक्लाइन हो रही है, और डिक्लाइन इस तरीके से हो रही है कि अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाए तो ये एंडेंजर्ड लेवल पे आ जाएंगे, यानी इनके एग्जिस्टेंस पे थ्रेट हो जाएगा। सो वल्नरेबल स्पीसीज आर दोज स्पीसीज विच आर डिक्लाइनिंग इन द पॉपुलेशन। ओके, वैसे स्पीसीज हैं जिनका पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, घट रहा है। सो डिक्लाइनिंग इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज टू सच अ लेवल दैट इट मे लीड टू बिकम एंडेंजर्ड। किसी भी स्पीसीज का पॉपुलेशन इस लेवल तक डिक्रीज होना कि वो एंडेंजर्ड के लिस्ट में आ जाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस पे थ्रेट आ जाएगा, वो कहलाता है वल्नरेबल स्पीसीज। ओके, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं वल्नरेबल स्पीसीज को डिफाइन किया गया है, दीज आर स्पीसीज विच पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन टू लेवल्स फ्रॉम
वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इन टू द एंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर। मीन्स ये अब ऐसे कैटेगरीज हैं कि अगर इनको डिक्लाइन करने से नहीं रोका गया तो ये नियर फ्यूचर में ये एंडेंजर्ड के लिस्ट में आ जाएंगे। ओके, एंड वी हैव एग्जाम्पल ऑफ वल्नरेबल स्पीसीज सच एज वी कैन सी ब्लू शीप, ओके, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन। दीज स्पीसीज आर इंक्लूडेड इन वल्नरेबल स्पीसीज। ओके, यानी ये घटते जा रहे हैं और अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये एंडेंजर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, और नॉर्मल, रेयर, फिर वल्नरेबल, उसके बाद हम लोग देखते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज मीन्स वैसे स्पीसीज हैं जो थ्रेट है जिनके ऊपर। स्पीसीज विच आर प्रोन टू बी एक्सटिंक्ट ड्यू टू द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स निगेटिव फैक्टर्स। वैसे स्पीसीज जो ना बिल्कुल एक्सटिंक्शन की कगार पे आ चुके हैं, अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, अगर इनके निगेटिव फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। मीन्स दे आर प्रोन टू बी एक्सटिंक्ट, यानी ये खत्म होने के कगार पे हैं। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ़ द निगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। ये ऐसे स्पीसीज हैं कि इनके इनके डिक्लाइन के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो वजह इनके पॉपुलेशन में कमी के लिए जिम्मेदार है, अगर उस वजह को कंट्रोल नहीं किया गया, अगर वैसे निगेटिव फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये जो भी स्पीसीज हैं ये नियर फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ओके, सो एंडेंजर्ड स्पीसीज आर स्पीसीज विच आर प्रोन टू बी एक्सटिंक्ट ड्यू टू द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स निगेटिव फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनोज, लायन टेल्ड मैकेक। ये ना एक मंकी फैमिली से ही है, ठीक है, और इसकी जो पूंछ होती है, टेल होती है, वो लायन के जैसे होते हैं। संगाई ना मणिपुर में पाया जाता है, ये मणिपुर का ऑफिशियली स्टेट एनिमल है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज मतलब वैसे स्पीसीज है जो अब ख़त्म हो चुके हैं, जिनका एग्जिस्टेंस अब नहीं है। सो एक्सटिंक्ट स्पीसीज और स्पीसीज विच हैज़ नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज। वैसी स्पीसीज जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो ख़त्म हो चुके हैं। अगर हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज की बात करें तो हो सकता है कि ये किसी रीजन से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, किसी कंट्री से गायब हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, या किसी कॉन्टिनेंट से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, या ये फिर पूरे अर्थ से ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है ना, सो एक्सटिंक्ट स्पीसीज मतलब वैसे स्पीसीज जो ख़त्म हो चुके हैं, विच हैव बीन डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ, विच हैव डिसअपीयर्ड। ठीक है, जिनका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। ओके, सो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, जिसको हम लोग ब्रीफली IUCN कहते हैं, इसने प्लांट्स और एनिमल के स्पीसीज को क्लासीफाई किया है कितने टाइप में, 5 टाइप में। नॉर्मल टाइप हम लोग देख चुके हैं, नॉर्मल, रेयर, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। सुविधा के लिए, आसानी के लिए आप लोग ना इसी ऑर्डर में देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले नॉर्मल आएगा, नॉर्मल में डिक्लाइन हुआ, नॉर्मल घटा तो रेयर, रेयर में ज़्यादा डिक्रीज हुआ तो वल्नरेबल, वल्नरेबल में डिक्रीज हुआ तो वो एंडेंजर्ड, और एंडेंजर्ड अगर डिक्रीज हुआ तो ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये IUCN के जो 5 कैटेगरीज हैं उसको हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे।